अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। वीडियो में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने स्टडी करनी है तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को इंटरव्यू में जाने से पहले ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, कौन सी किताबें हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकती हैं, ठीक है। और थर्डली, उन लोगों के सवालात मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं जो कि रिसेंटली लेक्चरर की पोस्ट पर सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। इनमें से कुछ KPPSC के लोग हैं और कुछ PPSC के लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो मैं वेरी सून उन लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा कर वो भी अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे इन टच। इंशाल्लाह उनके इंटरव्यूज़ आपको बहुत फ़ायदा देंगे। फोर्थ एंड लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और किस तरह से हम लोग प्रेजेंटेबल लग सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमने इंटरव्यू में जाने से पहले जो मेजर्स हमने अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो काइंडली आप अपना नॉलेज ज़रूर टेस्ट करें कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, कौन से सवालात हैं जिन पर मज़ीद गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको एज़ ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज जो है वो आपने कंसिडर करना है इस वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम लोग देखें तो मेजर एरियाज़ क्या हैं पॉलिटिकल साइंस के, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, IR है जिसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं जी, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं अलॉन्ग विद द डेट्स हमने याद करने हैं, ठीक है। फिर कुछ पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आ जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस के क्या हैं। फिर इंटरनेशनल डेज और इंटरनेशनल इवेंट्स का पता होना चाहिए। और अक्सर हम लोग ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, हम लोग ये स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसको भी स्किप नहीं करना। मैं आपसे जब डिस्कस करूँगी सवालात जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं, अक्सर सवाल इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो पहले 7 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए भी और आपकी कन्वीनियंस के लिए भी, कि आप लोग बोर ना हो। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, फर्स्ट वाला मैं ये अपलोड कर रही हूँ और सेकंड वाला जो है वो इंशाल्लाह बाद में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशंस हमने कौन कौन से पढ़ने हैं, ये तो हमें पता है कि UK है, US, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया और स्विट्ज़रलैंड, ये तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशंस तो कंफर्म है ना। 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूशंस कंपैरेटिव हमने पढ़कर जाने हैं, चाहे हम लोग MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन 10 कॉन्स्टिट्यूशंस का हमें पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जर्मनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो इसको भी हम लोगों ने गो थ्रू करना है, एक दफ़ा देखना ज़रूर है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो UK, USA और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स अब हम लोग ये तो जज नहीं कर सकते कि इंटरव्यू करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में फ़्रांस आ सकता है, उसके दिमाग में ईरान आ सकता है, इंडिया आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशंस को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आपने ये सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली UK, US, पाकिस्तान और इसके अलावा आप इंडिया और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर देखें। अच्छा, एक मैं ऐड करना भूल गई, यहाँ पे टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आप इसको ओवरऑल आप इनके फ़ीचर्स पढ़ें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनरिटन है, ये फेडरल गवर्नमेंट है या यूनिटरी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसका या पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें, ये तमाम तर फीचर्स आपको पता ही हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करने हैं, फिर आपने इनमें मेजर कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, तो क्या आपको ये पता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम लोगों को बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए इसमें। फिर UK का कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है, इसी तरह हम लोगों को सवाल में से सवाल निकाल कर देखना है कि सॉवरेंटी क्या है, लीगल सॉवरेंटी क्या होती है, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी क्या है, पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है, इसी तरह से पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, ये तमाम तर चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से जो रेलिवेंट है ना, वो टर्म्स आपने ज़रूर देखनी है, याद करनी है, ठीक है।
फिर आप ये देखें कि इसका अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है। अमेंडमेंट अगर होती है तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी से किस तरह से अमेंडमेंट होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, इनके डिफरेंसेस क्या हैं, वो हमने देखने हैं। इंटरव्यू में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी में और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। फिर आपको कोरम का पता होना चाहिए, आपको कंट्री के जुडिशल सिस्टम्स का पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये फ्रांस जो है, फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक अलग सा फीचर है, ठीक है। हम लोगों को इसकी नो हाउ होनी चाहिए कि हमने जो है वो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये जो लॉ है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स क्या हैं, ठीक है। इसी तरह कई कंट्रीज़ में कमेटी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कई कंट्रीज़ में कमेटीज़ को मिनी लेजिस्लेचर की इम्पॉर्टेंस है वो हासिल है। तो इस तरह से हम लोगों ने तमाम तर चीज़ें देखनी है, ठीक है। फिर आप देखें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखें कॉन्स्टिट्यूशंस की, ख़ास तौर पे आप लोग यूएसए की और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं। जैसे अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हैं आपने वो देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखें। अभी एक बात हो रही थी मेरी एक लेक्चरर से ही, और उन्होंने मुझे बताया कि जब अमेंडमेंट्स की बात आई तो उन्होंने मेरे थीसिस के हवाले से मुझे पूछा। तो उनका थीसिस एजुकेशन पे था, एजुकेशन पे फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, जी कौन सा आर्टिकल है जो आपको राइट टू एजुकेशन देता है, ठीक है। और फिर इसी में से सवाल निकाल कर वो उन्होंने आधे से ज़्यादा जो उनका इंटरव्यू था वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स और इस पर आर्टिकल्स पर, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर पूछना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमने इनको थॉरली पढ़ना है, ठीक है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है आपको, लेकिन ये वाकई ही में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ठीक है। तो उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स देखें आप, आर्टिकल 5 देखें, 6 देखें, 95 देखें, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपने वो ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप देखें कि स्पीकर का रोल क्या था, डिप्टी स्पीकर का रोल क्या था, इनकी पावर्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। फिर फीचर्स के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी आपने तमाम तर स्टेजेस पढ़नी है, कॉकसेस से शुरू होना है, प्राइमरीज़ को पढ़ना है, फिर आगे कन्वेंशन है, फिर उसके बाद सिलेक्शन है, फिर उसके बाद जो भी ये सारा कुछ है, ये सारा प्रोसीजर आपने पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। फिर अगर आप देखें जी, आगे आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी, रिपब्लिक, अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये इस तरह से तमाम तर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इससे रेलिवेंट है वो आपने ज़रूर 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 पढ़नी है, ठीक है। ये थी जी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने फ़ीचर्स कौन से पढ़ने हैं। अब मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि जो इंटरव्यू करेगा वो हमसे सीधे सीधे सवाल पूछेगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। 17th ग्रेड की आखिर उसने आपको जॉब देनी है, तो जाहिर है क्वेश्चंस भी उसी हवाले से होंगे। ये सवाल देखें आप, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, हाउ, कैसे सॉवरन है, ठीक है। तो अगर आपको इसका जवाब आता है तो दैट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट जी सवाल था जी, व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस इन यूके। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस पूछी हैं उसने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर दिस सेंक्शंस बिहाइंड कन्वेंशंस, ठीक है। अब इस तरह का सवाल हम लोग मोस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशंस पूछ लेगा, लेकिन उसने सवाल क्या पूछा है, व्हाट आर दिस सेंक्शंस बिहाइंड कन्वेंशंस, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन था, इट इज़ सेड दैट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, इंटरव्यूअर ने उनसे ये पूछा है, एग्जाम्पल्स के साथ साबित करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने एक दफ़ा गौर से अगर पढ़ी हो ना, जिस बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े अच्छे तरह से पढ़ा है, इनका जवाब वही दे सकता है, ठीक है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इनसे अटैच जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे सेनेटोरियल कर्टिजी है, ठीक है, फिलिबस्टरिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है अमेरिका में, फिर यूएस की प्रेसिडेंट की इलेक्शन की स्टेजेस उन्होंने पूछी हुई हैं। फिर इसके अलावा जी उन्होंने पूछ लिया, अब देखें मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमें नहीं पता कि वो इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में कोई भी आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यूएस, यूके और पाकिस्तान है, लेकिन ईरान के हवाले से उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, वट आर दी क्वालिफिकेशंस फॉर द सुप्रीम लीडर इन ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सुप्रीम लीडर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये हमने बताना था। फिर उसके बाद जी, वाई इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन,
अब मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह की चीज़ें हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने पूछा जी व्हाट आर दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब जिनसे मुझे इसे ये सवाल पता चला, उन्होंने कहा उस टाइम तो वो वैसे तो मुझे पता था लेकिन उस टाइम ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं, तो मैंने उनसे फिर सॉरी कर दिया कि मुझे नहीं आता था, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि हमें चीज़ें आती हैं लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग उनको काफ़ी अर्सा ना पढ़ने की वजह से भूल चुके होते हैं। तो जो रिवीजन है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आपने इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, ठीक है। व्हाट आर द कांग्रेस मेंबर्स कॉल्ड, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ वाशिंगटन एंड वाशिंगटन DC, ठीक है। फिर उन्होंने प्रेस ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में सवाल पूछा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन कर्टन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये तमाम तर जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले थे, उनके हवाले से थे, पहले मैंने वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। अच्छा अभी सेकेंड पॉइंट नहीं, अभी कुछ और सवाल आता है। व्हाट इज़ 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अच्छा अमेंडमेंट्स हमने ज़रूर देखनी है, 8th अमेंडमेंट देखें, इससे रेलिवेंट 13 है, 17 है और 18th अमेंडमेंट है, ये तमाम तर हमने ज़रूर पढ़ लेनी है एक दफ़ा। फिर उसके बाद आ जाता है जी, उन्होंने एक और सवाल जो इंटरव्यू में पूछा है वो है इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या थी पाकिस्तान को, ठीक है। व्हाट इज़ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू UK, ठीक है। फिर मोनरो डॉक्ट्राइन के बारे में वो पूछ लेते हैं। तो कीपिंग इन व्यू ऑल ऑफ दिस सिनेरियो, जो करंट सिचुएशन चल रही है, ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़, तो आपने वो प्रोसीजर भी पढ़ना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो आपसे अगर पूछता है ना इस तरह का कोई सवाल, तो मे बी कि वो डायरेक्टली किसी फिलोसोफर के बारे में पूछ ले, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपको भी रिलैक्स करने के लिए ना वो आपसे भी पूछ लेता है कि आपका फेवरेट फिलोसोफर कौन सा है, ठीक है। तो फिर वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसी में से सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ज़्यादातर किन लोगों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो हैं वो हैं हॉब्स, लोक, रोशो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स के बारे में, और अगर रीसेंट वालों में से अगर कोई पूछ लें तो वो फ्रांसिस फुकुयामा का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सवालात हैं ये हमने देखने हैं, ठीक है। प्लेटो का कौन सा कॉन्सेप्ट जो बड़ा फेमस है, फिलोसोफर किंग का, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। फिर उनकी थ्योरी पता होना चाहिए एजुकेशन पर जो है, उनकी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर एरिस्टोटल के जो फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में सवाल आते हैं जो फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हर एक चीज़ तो जाहिर है हर किसी को भी नहीं आती, जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है ना उसे भी सारी चीज़ें नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन जो फेमस फेमस चीज़ें हैं, फेमस थ्योरीज हैं, कम से कम उनकी नो हाउ हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी और कॉन्सेप्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने 6 गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, 3 जिसमें से परवर्टेड फॉर्म्स हैं, 3 उसमें से प्योर फॉर्म्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैकियावेली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रिंस के हवाले से सवाल पूछ सकता है। सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने होब्स ने कौन सा स्टेट ऑफ नेचर दिया है, लॉक के ख्याल में स्टेट ऑफ नेचर क्या है, रोशो के ख्याल में क्या है, ठीक है। फिर उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, फिर उन्होंने राइट टू रेवोल्यूशन अगर दिया है, कौन सा इनमें से फिलासफ़र है जिसने अपनी रियाया को राइट टू रेवोल्यूशन दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू है तो उसकी सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, ये हमने याद करनी है, रिवाइज़ करनी है, ज़रूर पढ़नी है। फिर उसके बाद आ जाता है जी कार्ल मार्क्स, इनके हम लोगों ने सारे कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ज़रूर याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से आप, मुझे एक सवाल याद आया, एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में फ्रांसिस फुकुयामा जो हैं ये फ़िलासफ़र हैं, ये क्या है, क्या ये फ़िलासफ़र हैं, तो इनके आंसर में किसी ने जवाब दिया था कि ये फ़िलासफ़र नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो इस तरह के भी सवाल समटाइम्स वो पूछ लेता है, आसान से आसान सवाल भी, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे हम पर इतना प्रेशर होता है ना कि हम लोग कन्फ्यूज़ होकर गलत जवाब दे देते हैं। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इस तरह के सवाल हमने पहले से ही अपने जहन को प्रिपेयर करके पहुँचना है वहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट मुस्लिम फ़िलासफ़ी, मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर वो इंटरव्यूज़ में इसके बारे में सवाल नहीं करते, क्योंकि जितने भी मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं ना, उनकी मिलती जुलती थ्योरीज़ हैं, ठीक है। ज़्यादातर मज़हब पर बात की है उन्होंने, ज़्यादातर उन्होंने खलीफ़ा और खलीफ़ा की जगह इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसी से रिलेवेंट जो है वो उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने इनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लेना है, सही है। इसमें आप देखें कि अलफराबी ने जो काइंड्स ऑफ स्टेट्स बताई हैं, 6-7 उन्होंने स्टेट बताई हैं, जिस तरह वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी है, वाइल्ड स्टेट है, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये आपने पढ़नी है। फिर अलमुवर्दी के कॉन्सेप्ट, जो उनका इमाम का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, उसकी क्वालिफिकेशंस, फिर उसको डिसक्वालीफाई वो किन बेसिस पर हो सकता है, ये चीज़ें। फिर गजाली का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, आइडियल रूलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। खलदून की, असबिया की थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है अगर मुस्लिम फ़िलासफ़र उन्होंने पूछ लिए। फिर जी शाह वलीउल्लाह का कॉन्सेप्ट है, जमालुद्दीन अफगानी को एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं लेकिन उनकी जिस तरह वो कॉन्सेप्ट है, पैन इस्लामिज़म का, ये चीज़ें आप देखें। फिर अल्लामा इकबाल के पॉलिटिकल आइडियाज़ देखें, उनका नेशनलिज्म का, मुस्लिम नेशनलिज्म का। फिर उनका जो वेस्टर्न नेशनलिज्म पर क्रिटिसिज्म है वो देखें, मिल्लत का कॉन्सेप्ट, व्यूज़ उनके क्या हैं कम्युनिज्म पर, सोशलिज्म पर, ये तमाम तर आपने चीज़ें ज़रूर देखनी है एक दफ़ा। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये इस तरह से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ये आपको आती हैं, बस एक दफ़ा आपने रिवाइज़ करनी है, ठीक है। अब इसके बारे में इंटरव्यू में क्या क्या सवालात पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। सॉवरेंटी के बारे में, पॉपुलर सॉवरेंटी क्या है, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी क्या है, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट कौन कौन से फ़िलासफ़र्स हैं, ठीक है, फिर उनकी थ्योरीज़ उनमें से पूछ ली उन्होंने। फिर इसके अलावा जी डिफरेंस बताएं रोशो की और हॉब्स की सॉवरेंटी में क्या फ़र्क है, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। एक की पॉपुलर सॉवरेंटी, दूसरे ने जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेंटी बताई है। फिर इनके कॉन्सेप्ट में से, सवाल में से सवाल निकाल के वो पूछ लिया करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ें गौर से पढ़ लेनी है आपने, ठीक है। फिर उन्होंने सवाल पूछा जी सुपर स्ट्रक्चर जो है वो कार्ल मार्क्स का, ये क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ असबिया, पैन इस्लामिज़म बाय जमालुद्दीन अफगानी, अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरव्यूअर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या करता है कि वो आपसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, और फिर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उसी में से सवाल जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर आपको कमांड है ना, आपने वही उसको बताना है। अगर किसी की वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पर कमांड है तो आपने उसको वही बताना है कि मुझे यही वाला फ़िलासफ़र बड़ा पसंद है, क्यों पसंद है, उसकी रीजंस आपसे जिस तरह भी नेक्स्ट वो क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, वो उसके बारे में ही फिर पूछेगा। नेक्स्ट आ जाती है जी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ और थ्योरीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरीज जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं वो हैं जी कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फासिज्म, नाज़िज़म, मार्केंटाइलिज्म, इंडिविजुअलिज़म, इम्पीरियलिज़म, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो कि 5 थ्योरीज हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये बताते हैं स्टूडेंट्स उनसे ये 4th थ्योरी के बारे में पूछते हैं, पेट्रियार्की थ्योरी है, मेट्रियार्कल थ्योरी है, और इसके अलावा एक और जो सबसे पहले थ्योरी आती है वो मेरे जहन से नाम निकल गया। खैर ये 5 थ्योरीज हैं, वो आपने देखनी है, एवोल्यूशनरी थ्योरी स्टेट की, ठीक है, ये 5 थ्योरी ओरिजिन ऑफ द स्टेट के हवाले से हमें पता होने चाहिए, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट देखें, रूल ऑफ लॉ देखें क्या है, सही है। फिर आप आइडियोलॉजीज पे अगर आ जाते हैं और टर्मिनोलॉजीज पे, तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी हैं आपको पता होनी चाहिए कि अथॉरिटेरियनिज्म क्या है, मोनार्की क्या है, पता है आपको? चलें अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है, ठीक है। मोनार्की है, एनार्की है, टोटलिटेरियनिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी, डिस्पोटिज्म, ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं और हमें आती हैं, ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ें, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये आपने घबराना नहीं है, इतना सारा सिलेबस आपको लग रहा होगा। फिर आपने स्टेट और गवर्नमेंट के हवाले से जितनी वो आ जाती हैं टर्मिनोलॉजीज़ वो देखनी है, फेडरेशन क्या है, कन्फेडरेशन क्या है। एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा कि मार्बल केक फेडरेशन क्या है, इस तरह से कोई सवाल था, लेयर केक फेडरेशन क्या है, तो ये बड़ी सादा सी चीज़ें थी जिनके एक्चुअली में टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन टर्म के साथ जब कोई पूछ लेता है तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आप इनके जो नाम है ना वो ज़रूर देखा करें, ठीक है। फिर जेरीमेंडरिंग क्या है, ये तो एमसीक्यूज़ में भी सवाल आया हुआ था।
पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, फेमिनिज्म, एक ये जो मैंने मेंशन की हुई है ना, ब्लू वेदर स्टेट और स्विंग स्टेट, ये US कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, ठीक है। मोटो में, चार्टर में, स्लोगन में क्या डिफरेंस है, इस तरह की चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या होता है, यूनि पार्टी सिस्टम क्या है, बाई पार्टी सिस्टम, तो ये चीज़ें हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आती हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। देन पब्लिक ओपिनियन और प्रोपेगेंडा क्या है, ठीक है। अब आप ये लास्ट वाली अगर देखते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रिकॉल, ज़्यादातर हम लोगों को रेफरेंडम और प्लेबिसाइट का पता होता है, लेकिन इनिशिएटिव और रिकॉल का पता ही नहीं होता। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं, ठीक है। हमें इन सब के बारे में ज़रूर 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 पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज पेपर में पूछी गई हैं उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इंटरव्यू में, सॉरी, जो पूछी गई हैं। चौविनिज्म क्या है, ठीक है, चौविनिज्म में और नेशनलिज्म में फ़र्क क्या है, ठीक है। कोई माइनर सा ही फ़र्क होगा मेरे ख्याल में, लेकिन क्या डिफरेंस है, इस तरह के सवाल वो पूछते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, ये बैंक ऑफ पंजाब का BOP नहीं है, ये बैलेंस ऑफ पावर वाला है, ठीक है। फिर आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या फ़र्क है, एनार्की क्या है, ये देखें, डार्क हॉर्स, स्पॉयल सिस्टम, फिलिबस्टरिंग, सेनेटोरियल कर्टिसी, ये इस तरह की चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें नॉर्मली जब हम BSc MPhil में पढ़ते हैं तो हमें नहीं बताई जाती, ये हमारी एक्स्ट्रा रीडिंग होती है, जो वही चीज़ें हमें फ़ायदा देती हैं फिर, ठीक है। अब देखें आगे, पॉकेट वीटो क्या है, सस्पेंसरी वीटो क्या है, ये वाली टर्मिनोलॉजीज कहाँ से रिलेट कर रही हैं, ये US कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो, आइटम वीटो, रेगुलर वीटो, ये चीज़ें हमें हमने पढ़नी है। रिपब्लिक में और स्टेट में क्या फ़र्क है, स्टेट में और एम्पायर में क्या फ़र्क है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम स्टेट, ये क्या है। फिर इसके अलावा लेम डक का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज के हवाले से जो क्वेश्चंस थे ये मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट, अगर कुछ लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जिनका बैकग्राउंड है तो हो सकता है वो उनसे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका स्टडी बैकग्राउंड होता है ना वो उसके अकॉर्डिंग भी आपसे सवाल पूछ लेता है। अगर आपने MPhil किया है तो दिल करे इंटरव्यूअर का वो सारा आपके थीसिस के ऊपर ही सवाल पूछना शुरू कर दे, तो ये हम लोग जज तो नहीं कर सकते ना कि अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पूछ लेगा, लेकिन हम लोगों ने तो फुली प्रिपेयर होकर जाना है कि वो कुछ भी पूछे तो हमें उसका 110% आंसर आता हो, ठीक है। अब IR के स्टूडेंट्स के हवाले से हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें पूछ ले, इंटरनेशनल अफेयर्स पूछ ले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ ले, इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ठीक है। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा लीग ऑफ नेशंस का पढ़ें, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अ लिटिल बिट नॉलेज, ठीक है। UNO का पढ़ें, इसको कम्प्लीटली, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसके कितने ऑर्गन्स हैं, जो इसके 6 ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं वो हमें वो भी पता होना चाहिए। फिर वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स क्या हैं, सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम परफॉर्म करती है, इसके कितने मेंबर्स हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने नॉन परमानेंट हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, जो कि करंट अफेयर्स में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कश्मीर इशू बड़ी देर से चल रहा है, फ़लस्तीन इशू है, फिर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखें, इस तरह की चीज़ों पूछ सकते हैं, ठीक है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनका क्या रोल है, इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चंद एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ें, जिसमें SAARC है, SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, सेंटो, ये तमाम तर चीज़ें, RCD, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। फिर कुछ पैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, CPEC भी देखें, और इसके अलावा ओबोर चाइना का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। फिर IR में कुछ जो IR के स्टूडेंट्स की कुछ थ्योरीज होती हैं जिनके बारे में वो पूछ लेते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट से भी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, लिबरलिज्म है, कुछ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, ठीक है। फिर इसी तरह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की जंगें जो हैं उनके बारे में, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होना चाहिए, सही है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट हैं वो कोल्ड वार पॉलिटिक्स पे बड़ा फोकस करें, मोस्टली इनमें से पूछ लेते हैं, ठीक है। जो रीजनल इश्यूज हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो ऑयल पॉलिटिक्स है वो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, इस तरह के सवालात जो है वो IR के स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि IR को एज ए सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनसे शायद इतने ज़्यादा सवाल वो IR के बारे में ना पूछे, लेकिन ये वाली जो स्लाइड है ये स्पेशली IR के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनसे हो सकता है कि टर्मिनोलॉजीज पूछ ले,
बिहेवियरिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म, बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबलाइजेशन, फिर फेमिनिज्म की थ्योरीज भी, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो फेमस फेमस है। बाकी मेरी आईआर पे इतनी कमांड नहीं है, वो आईआर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटरली जो है वो अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, तो काइंडली वो बड़ी एक मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, तो ये जी आपके वड्डा सारा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाकी मेरी कोशिश है जी कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इसका अपलोड करूं, जिसमें हम लोगों ने बाकी की चीज़ें डिस्कस करनी हैं। अभी के लिए हम लोगों ने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से 7 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 से लेके 7 तक। ठीक है, वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल डेज और इवेंट्स, और कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ये हम लोग सारी चीज़ें सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं खुद थक गई हूँ अब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।